आप लोग देख रहे हैं राइट इन्फो। तो आज मैं दोबारा आया हूँ नबील भाई के पास। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को मैंने नबील भाई के शहर का विजिट करवाया था पहले, आज से 4 माह पहले। तो नबील भाई ने 100 से ज्यादा जो है वो पेड़ लगाया हुआ है, काठे तोते का और रात तोते का। तो नबील भाई मुझे आप ये बताएं, अभी इस टाइम आपके पास कितने चिक्स अवेलेबल है कश्मीरी रात तोते के? इस टाइम तकरीबन 40 से 50 जो है बच्चा कश्मीरी रात अवेलेबल है। उसके लेकर मई के दरमियान में ना इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इसके दरमियान ही कश्मीरी रात जो अंडे बच्चे करता होता है और वो जो है हम लोग के रातों को जो है सेल कर देते होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आपकी सर्विस किस किस किन किन शहरों में है? पाकिस्तान के देखिए लाहौर से जिस शहर का फासला जो है ना 5 से 6 या 7 से 8 घंटे का, वहां तक हम लोग कार्गो जो है इसका पहुंचा देते होते हैं। ठीक हो गए। अच्छा नबील भाई, एक इम्पोर्टेंट बात है, इनको ये तो बताएं ये क्या चक्कर है, ये आपने माशाल्लाह इसको इस तरह तैयार किया हो जैसे आप इनकी वो शादी के वक्त वो लेके नहीं जाते चूड़ियां वगैरह लड़की के लिए? हाँ। तो ये आपने कहा कि सिस्टम बनाया, ये क्या चक्कर है इनका, ये आपने इसमें क्यों रखे हुए? कई भाई होते हैं मतलब उन्होंने ना अपनी वाइफ को गिफ्ट करना होता है। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात, कमाल है। अब आउट ऑफ फिल्टर में कई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं राइट इन्फो। तो आज मैं दोबारा आया हूँ नबील भाई के पास। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को मैंने नबील भाई के शहर का विजिट करवाया था पहले, आज से 4 माह पहले। तो नबील भाई ने 100 से ज्यादा जो है वो पेड़ लगाया हुआ है काठे तोते का और रात तोते का। तो तब नबील भाई ने आप लोगों को काठे तोते के जो है वो पट्टे बेचे थे, और अब नबील भाई के पास जो है कश्मीरी रात होता है बड़ा होकर ऐसा बनेगा, इसके बच्चे जो है वो अवेलेबल है नबील भाई के पास। तो सारी मालूम मैं नबील भाई से पूछूंगा। तो काइंडली आप लोगों ने वीडियो एंड तक लाजिम वॉच करनी है। अगर कोई भाई शॉप करना चाहता है, अगर कोई भाई खरीदना चाहता है, तो वो एंड तक वीडियो लाजमी देखे, एंड के ऊपर आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए नबील भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल चाल है? अच्छा नबील भाई, मुझे आप ये बताएं अभी इस टाइम आपके पास कितने चिक्स अवेलेबल है कश्मीरी रात तोते के? इस टाइम तकरीबन 40 से 50 जो है बच्चा कश्मीरी रात अवेलेबल है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं दिसंबर से लेकर मई के दरमियान में हमारे पास कश्मीरी रात के बच्चे जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। सदर बाजार लाहौर के अंदर हमारी लोकेशन है। तो ये है कि इसके दरमियान में दिसंबर से लेकर मई के दरमियान में ना इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इसके दरमियान ही कश्मीरी रात जो अंडे बच्चे करता होता है और वो जो है हम लोग के रातों को जो है सेल कर देते होते हैं। तो इसके दरमियान में अभी आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे अभी जो है खाली 40-50 बच्चा वो है जो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा छोटे जो है वो और ज्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन छोटा बच्चा जो है हम लोग सेल नहीं करते हैं। हम लोग कम अज कम बच्चा जो है ना इस साइज का करके आप लोगों को सेल करते हैं। उसका रीजन ये होता है ताकि आप लोगों के बाद जब ये बच्चा जाए ना सरवाइव करे, आराम सुकून से आप लोगों से पल जाए। वो हम लोग काम नहीं करते कि बिल्कुल छोटा छोटा बच्चा आप लोगों को दे देना, आपसे पहले एक जानदार चीज भी जाया होती हो और हमारे से भी गुनाह आता हो, तो ऐसा काम हम लोग नहीं करते होते। कई भाई अंडों की डिमांड कर देते हैं, अंडे भी हम लोग प्रोवाइड नहीं करते होते। हम लोग जो है आप लोगों को बच्चे प्रोवाइड करते हैं उस साइज में करके जिस साइज में आप लोग पाल लें आराम सुकून से, ताकि हमें कोई बाद में शिकायतें ना मिलने की, कह लो कि आए कि जनाब हमने नबील भाई से एक बच्चा लिया था, वो बच्चा जो है हमसे पला नहीं, उन्हें जब पता था कि नहीं पलना तो उन्होंने क्यों सेल किया। मतलब ऐसे कुछ ना हो, आप लोगों के पैसे हैं जाया हम लोग नहीं करवाना चाहते, आप लोगों का शौक जो है पूरा करवाना चाहते हैं। अच्छा नबील भाई, आप मुझे यहाँ पर ये बताएं, अगर कोई हमारा व्यूअर ऐसा है यार जिसको बच्चा तोते का नहीं पालना आता, वो कहता है यार मैंने फर्स्ट टाइम शौक करना है, फर्स्ट टाइम लेना है, तो उसके लिए आपने क्या इकदाम किए हुए हैं कि यार क्या आप उस बंदे को सिखा सकते हैं? यार ऐसा है कि अब फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर बच्चों वगैरह के अंदर ना हर बंदे को नहीं पालना आता होगा। अगर पाकिस्तान में 100 बंदा है ना, 100 बंदे में से एक बंदा जो होगा ना उसको पालना आता होगा, बाकी 99 को नहीं आता पालना। तो इस सूरत में हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करते होते हैं, बच्चे को कैसे रखना है, कैसे पालना है, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, एक एक चीज। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर उसके पास होता है, जब भी वो घर जाता है ना उसे लगता है कि यार आज तो बच्चा खाना नहीं ठीक खा रहा, वो कॉल करता हमें कि यार आज हमारे बच्चा ऐसे खाना वगैरह नहीं खा रहा, नखरे कर रहा है या बीमार हो गया, जो भी चीजें हैं। हम लोग कहते हैं अच्छा हमें ना वीडियो बना के जरा सेंड करो, हम लोग देख के बताते हैं। हम लोग बच्चे को अच्छे तरीके से देखते हैं कि वाकई ये बीमार है या नहीं है। समटाइम क्या होता है बच्चे वैसे ही ड्रामा लगा रहा होता है, उसका वैसे ही नहीं दिल कर रहा होता खाने वगैरह का। जब बच्चे के पूरे बाहर आ जाते हैं वो थोड़ा नखरेबाज हो जाता है, लोगों को लगता है कि बीमार हो गया, वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब जो है उसे मेडिसिन देते हैं जबरदस्ती, वो बच्चा और ज्यादा बीमार होकर मर मरा हो जाता है। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं डॉक्टर से पहले हमसे रब्ता करना है। अगर आपने हमसे बच्चा परचेज किया, बाहर से कहीं से परचेज किया है, तो उसका यार ये है कि देखो एक चीज जो हमसे लीना ली हुई उसको हम लोग आपको अच्छे तरीके से नहीं गाइड कर सकते। हो सकता है जो आपने बाहर से बच्चा लिया है वो मतलब के अपने वो ऐसे हो सकते हैं कि वो मशीनी बच्चा हो, मतलब लोगों ने जो है अंडे मशीनों में रख के हैच करवाए हो। तो अब हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो बच्चों उन पे है जो हमने माओ के नीचे अंडे लगा के माओ ने हैच किए हैं, माओ ने ही बच्चा बड़ा किया और हमने उनसे फिर अलग किया। तो हमारा एक्सपीरियंस माँ के नीचे बच्चे वाले पे है, मशीनों वाला नहीं है। तो मशीनों में से जिन्होंने हैच करवाया हो ना फिर वो लोग उसके बारे में अच्छा बता सकते हैं। तो फिर हम लोग यही कहते होते हैं अगर आपने बाहर से परचेज किया ना, जिससे आपने परचेज किया
उससे पूछो, उसके पास हमसे ज्यादा उस वाले बच्चे की मालूमात हो, तो वो बंदा जो है उस बंदे से रابطہ करे। अब एक बंदा मार्केट से परचेज करके आता है तो यार वो फिर मार्केट वाले से पूछेगा ना। हमारा काम तो ये है कि हमारे जो शेड से बच्चा निकला हुआ है उसे महफूज तरीके से बड़ा करवाना उसका, ताकि आप लोगों का शौक पूरा हो। अब हम लोग ऐसा अगर करने लग गए पाकिस्तान में, आप देखो ना कि शॉपकीपर्स देख लो ना तकरीबन हजारों की तादाद में है। अब हजारों की तादाद में यार लाखों की तादाद में बच्चा सेल होगा। अब लाखों की तादाद में लोग कहीं और से बच्चा लेके हमसे पूछेंगे, हम लोग तो नहीं बता सकते, हम इंसान है यार। हमारे पास एट अ टाइम जो है ना तकरीबन जो है एक मिनट के अंदर कम से कम 5 से 6 कॉल्स आती हैं, ठीक हो गया माशाल्लाह। तो इतनी इतनी कॉल्स आनी होती हैं, मैं खुद कॉल्स नहीं सुन सकता, ठीक हो गया। मैंने एक मतलब भाई रखे हुए हैं जो एक्सपर्ट है, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी एक्सपर्ट है। वो तभी उन्हें रखा हुआ कि यार वो कॉल सुनेंगे, लोगों की क्यूरीज का आंसर करेंगे, पूरी टीम वर्क होता है। तो आप देखो एक बंदे को मैंने मतलब के स्पेशल तौर पे जो है उसके काम काज रुकवा के उसको मतलब के पैसे वगैरह भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा बड़ा भाई है। अब उसको साथ इन्वॉल्व करवा के किया हुआ है ना, अब उसने अपना सारा काम का छोड़ा हुआ है। और आप अगर ऐसे करेंगे बाहर से बच्चा लेके आगे उनसे मालूमात नहीं तो वो तो नहीं प्रोवाइड कर सकते। हमसे बच्चा लें हम आपको बताएंगे, बाहर से बच्चा लेंगे तो बाहर वाला आपको बताएगा। भैया मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आपकी सर्विस किस किस किन किन शहरों में है? अच्छा पाकिस्तान के देखे लाहौर से जिस शहर का फासला जो है ना 5 से 6 या 7 से 8 घंटे का, वहां तक हम लोग कार्गो जो है इसका पहुंचा देते होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जहां पे फासला आ जाता है 12-12 घंटे 17-17 घंटे 24-24 घंटे, उन शहरों में हम लोग ये डिलीवर नहीं करवा सकते। अच्छा उसकी एक रीजन है, ये देखें ये बच्चा है ना एक, ये छोटा बच्चा है, इसको मैंने अभी खाना खिला दिया हुआ, इसके पेट में खाना है, ये खाना इसका हजम होगा 5 घंटे बाद, ठीक हो गया। 5 घंटे बाद एक हेल्दी बच्चा जो है 5 घंटे बाद जो है हजम कर लेता है, ठीक हो गया। अब 5 घंटे बाद इसने अपना खाना जो है हजम कर रहा है, उसके तकरीबन 2-3 घंटे बर्दाश्त कर लेगा, हो सकते 5-6 भी कर ले। लेकिन हम लोग जो है ना बच्चे के ऊपर ज्यादती नहीं करते कि हम लोग कहें कि हम लोग 12 घंटे वाले पे कर देंगे कि 5 घंटे उसके पोटे में फीड रहेगी, 7 घंटे वो भूखा रहेगा, रह लेगा, लेकिन बच्चे के ऊपर ज्यादती हमने नहीं करनी। हो गया ठीक हो गया, क्योंकि उसका हमने चीज रखी है, हमने भी अलग अलग आगे जवाब दे कि हमने इसे टाइम पे खाने क्यों नहीं खिला रहे। हम लोग बच्चे के ऊपर ज्यादती नहीं करते, इसलिए हम लोग कहते हैं अगर आपका घंटे मतलब फासला जो है तकरीबन 7 घंटे तक है तो हम लोग आपको डिलीवर करवा देंगे। जैसे रावलपिंडी का तकरीबन होता है, हमें पता है रावलपिंडी का क्या होता है, हम लोग सुबह के टाइम अगर डिलीवर करवाए ना 12 बजे तो वो मिलता है रात के 9 बजे तक, मतलब 9 घंटे पड़ देते हैं। लेकिन ये ही अगर हम लोग डिलीवरी करवाए, क्योंकि इसमें रीजन ये होता है बस अड्डे वाला ना जगह जगह पे ज्यादा रुकता है, तो अगर हम लोग रात वाली गाड़ी में रखवाते हैं ना जैसे रात को 12 बजे रखवाया तो सुबह के जो 6 बजे है ना तब तक पहुंच जाता है। तो इसलिए हम लोग फिर टाइमिंग जो है ना रावलपिंडी वालों के लिए रात की रखते हैं, ताकि उसके पास सेफली बच्चा जो है 6 घंटे के अंदर मतलब पहुंच जाए, बच्चे को ज्यादा मतलब के ना इंतजार ना करना पड़े खाना खाने का। तो जहाँ पे फासला है 6-7 घंटे का हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस, जहाँ पे ज्यादा हो जाता है वहाँ पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाहौर में होम डिलीवरी चाहिए, होम डिलीवरी भी हम लोग देते होते हैं। अच्छा ये बताइए लाहौर में होम डिलीवरी अगर आप देते हैं उसके भी चार्जेस वगैरह आपने रखे हुए हैं कोई नहीं? हाँ आप देखिए लाहौर में होम डिलीवरी के जो चार्जेस है ना वो ऐसे है तकरीबन 5,000 के करीब जो है ना हम लोग चार्जेस लेते होते हैं। उसकी रीजन आती है, अब एक भाई कहते हैं यार 300 रुपए तो लीटर तकरीबन, हम लोग कहते हैं 300 रुपए अगर लीटर पेट्रोल है तो आपका तो लगेगा 2 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर पेट्रोल। तो यार उसके अंदर ये रीजन आती है, एक डिलीवरी वाला लड़का है ना जी जी, उसने पहले अपने घर से मेरे घर आना है, अच्छा मेरे घर से बेबी उठाना है, अच्छा जो मतलब आपने डन किया होगा वो उठा के आपके पास आना है, हो गया आपसे कैश पकड़ना है, कैश लेके मेरे पास आना है, अच्छा फिर उसने मुझे कैश देना है, अपने जो डिलीवरी के चार्जेस होंगे वो लेगा और अपने घर चलेगा। चार चक्कर लगेंगे तो अब इसके अंदर और साथ में एक तो ये हो गया चलो पेट्रोल का एक्सपेंस है, दूसरा ये है कि एक बंदा अपना काम छोड़ के आ रहा है ना उस बंदे के भी काम की कदर है। आजकल पाकिस्तान में आपको पता है क्या क्या चीजें कितनी कितनी महंगी हो गई है, तो उस डिलीवरी वाले ने भी अपने घर का सिस्टम जो है वो चलाना है, तो 1,000 रुपया जो है ना फिर उसका हक होता है, हम लोग उसको देते हैं। अच्छा नबील भी मुझे यहाँ पर ये बताया, आपको पता है यार फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आजकल लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इतना फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को कहते हैं यार हम आपको चीज भेजेंगे, उधर से पैसे लोग सेंड करते हैं और ब्लॉक कर देते हैं, तो इस हवाले से आपने क्या इकदाम किए हुए हैं कि आपकी सर्विस के अंदर क्या क्या रूल है बताएं, अगर किसी ने कार्गो करवाना है तो आप कैसे कहेंगे यार उसके पास कार्गो का पार्सल पहुंचेगा? अच्छा जी अब इसके अंदर एक चीज आती होती है कि हम लोग पहली तो आती है दीनी चीज आती है कि मतलब जो बंदा इस दुनिया में कर लेगा आखिरत में जाके कैसे पूरा करेगा। एक अगर 12,000 रुपए का बच्चा है वो मतलब 12,000 रुपए लेके जेब में दुनिया में डाल लेगा, आखिरत में वो एक नोट जो है ना उसे अरेंज नहीं होना, बिल्कुल कहाँ से वो करेगा। एक तो ये हो गया ना, ये हम लोग आखिरत वाली बातें ना बाद में करेंगे, दुनियावी बंदे हैं, दुनियावी में रहते हैं, ठीक है दुनियावी बात करते हैं।
जिस भी शहर में आप लोग हैं, ठीक हो गया, उस शहर में ना हमने कहीं ना कहीं पे ना डिलीवरी वाले पहुंचाई होगी। हमारा फोन होता है ना, हमने उसके अंदर कैसे नंबर सेव किए होते हैं, हम लोग लिखते हैं पैरेट 12,000 का या 12,500 का, इसने बेबी लिया था, ठीक हो गया, ये इसकी लोकेशन है, मतलब हम लोग लोकेशन के साथ नंबर सेव ठीक हो गया। तो हम लोग जो उस लोकेशन के बंदे हैं ना, जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सब के नंबर आपको फॉरवर्ड करेंगे। आप चाहे एक एक को करके कॉल कर लें कि भाई ये बंदा फ्रॉड तो नहीं लगाता, जो चीज ये दिखाता है वही चीज देता है, बाद में गाइड करता है हमें, मतलब एक एक चीज आप उससे पूछने को, आपके अपने इलाके का बंदा होगा तो आप अपने इलाके वालों से पूछ लें जिन्होंने हमसे जो है परचेज किया हुआ है, तो वहां से आप लोग मतलब कि उनसे पूछ वगैरह लेंगे, आप लोग सही होते हैं, फिर आप हमें पैसे एडवांस सेंड करेंगे, हम आपको बेबी जो है तकरीबन अगले दिन सेट करते होते हैं। उसका रीजन होता है डेली बेसिस में हमारा कार को जाना होता है, मतलब वो तकरीबन ज्यादातर सुबह के टाइम हम लोग भेज देते होते हैं, तो अगर डिलीवरी वाला लड़का चला गया होगा कार्गो करवाने, और एक और चीज जो हमारे घर से आगे जाना ना कार्गो करवाने बंदे ने बस अड्डे तक, उसके कोई चार्जेस नहीं हम लोग लेते, जो बस का किराया है सिर्फ वो आपने देना होता है, ठीक हो गया, मतलब वो जो हमारे घर से आगे कार्गो करवाने जाना ना लड़के ने, उसको पैसे देना हमारा हक है, ठीक हो गया, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं हम लोग डालते होते। अच्छा बिल्कुल, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि आज तक आपको कभी कोई कंप्लेन आई है? यार आपने तो अपनी तरफ से ईमानदारी दिखा दी, आप यहाँ से कार्गो करवाने गए लाड़ी अड्डे, क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि लाड़ी अड्डे वाले जो बस वाला उसने आगे ना पहुंचाया हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? अच्छा इसके अंदर ऐसे होता है, देखो हम लोग बस वाला है ना उसको बच्चा दिखाते हैं, हम लोग कहते हैं यार ये बच्चा जो है ना वहाँ पे भेजना, मतलब तोते हम लोग कहते हैं इसके अंदर, तोते हैं ये वहाँ पे भेजना, ठीक है, बस अड्डे लेकर नहीं पता होता इसकी कीमत क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है, अब अगर 1,000 रुपए किराया या 500 रुपए किराया था हुआ ना, वो अगर हमसे पूछ भी लेता ना कितने वाला है, हम लोग कहते हैं सर जी 2,000 वाला तोता है, 1,500 वाला तोता है, मतलब हम उसको गलत कीमत बताते हैं, इसलिए कि वो कहीं पे फनकारी ना करा रहे हैं, तो वो सेफली पे। अब मुझे यहाँ पर ये बताएं, आपने तो अपनी बात सारी बता दिया, मुझे ये बताएं कि एक बंदा है यार, वो कहता मैं रावलपिंडी में बैठा हूँ, कहता यार मैं आपको कार्गो करवाना चाहता हूँ, तो मैं आपको पैसे सेंड कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ से पैसे सेंड वो करेगा तो आप कितनी देर तक उसको कार्गो करवाएंगे, कि कब तक आप उसको कहेंगे यार मैं इतना टाइम दूंगा कि पहुंच जाएगा? वो ऐसे है ना कि आज जैसे मतलब आज आपने सेंड किया, हम लोग कहेंगे कल सुबह तकरीबन 12 बजे के करीब ना कार्गो करवाने जाएंगे, तो हम लोग अगले दिन ही ना मतलब आपको वीडियो शूट में दिखा देते हैं, भाई ये बच्चा है मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, देख लो कि यही चाहिए या मैं चेंज कर दूँ, ठीक हो, तो आप लोग कहते हो हाँ यही चाहिए, आप कहते नहीं यार ये पसंद नहीं आ रहा, दूसरा कोई दिखा देंगे, हम दूसरा आपको दिखा देते हैं, सारे बच्चों में दिखा देते हैं भाई कौन सा चाहिए, आप कहते हो वो वाला चाहिए, हम लोग अलग करते हैं, अलग करके सेपरेट वीडियो बन रही है, फिर आपको दिखाते हैं कि हाँ यही चाहिए, आप कहते हैं हाँ यही चाहिए, फिर आपको डिलीवर कर देते हैं, मतलब एक दिन बाद आपके पास पहुंच जाएगा बेबी। अच्छा रवील भाई, मुझे यहाँ पर ये बताएं, अब एक कस्टमर है उसके साथ आगे फ्रॉड हुआ हुआ है, आप उसको इतनी तसल्ली देते हैं, इतनी तसल्ली देते हैं, पूरा आपको गाइड कर देते हैं, अगर वो फिर भी आप पे ट्रस्ट ना करे तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? यानी कि आपको ऐसा सिस्टम है कि वो आपके पास आ जाए, या कोई फिर भी ऐसा सिस्टम बताएं अगर वो आपके पास ना आना चाहे और उस तक चीज पहुंच जाए? इसके अंदर ऐसे है कि कई भाइयों के साथ ना फ्रॉड हुए हुए हैं पहले, फेसबुक वगैरह, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत लगे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इसके अंदर क्या होता है जनाब, अगर आप लोग कहते हैं नहीं यार मैं तो मतलब ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि पैसे में किसी को भी सेंड, बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग उस केस में कहते हैं आप देखें लाहौर में आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई होगा, बिल्कुल होगा, आप उसको पैसे सेंड करें, ठीक हो गया, वो भाई आए हमारे पास आके देखें बेबी जो सा लेना है वो आपके साथ मतलब फिर आगे आपको कार्गो करवा रहे हैं, तो आप भी सेफ रहेंगे कि हाँ ठीक है आपने अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को सेंड किया ना, वो तो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, वो आएगा बाय हैंड हमसे बेबी लेके चला जाएगा, मैं कैश दे देगा। अच्छा मुझे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताएं कि अगर कोई भाई आपसे यहाँ पर ये कश्मीरी ना तोते का बच्चा ले गया, उसको 2 दिन बाद 4 दिन बाद कोई मसला पेश आ रहा है, यार ये तोते का बच्चा खा नहीं रहा है, कोई भी मसला यार तोते का बच्चा ऐसे कर रहा है, आपको पता कि लोगों के माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उस हवाले से क्या आप उनको रिप्लाई करते हैं जो बंदा आपसे खरीदता है? मैंने जिस तरह पहले ही बताया कि एक भाई जो है ना हमारे पास फुल टाइम अवेलेबल होता है, अच्छा, जो फोन कॉल सुनता है, ठीक हो गया, एक एक मिनट में 3-3, 4-4 कॉल्स आ रही है उसके ऊपर, तो वो भाई जो है ना वो लोगों की मतलब क्यूरी से सुनने के लिए बैठा हुआ है, लोग उन्हें कॉल कर देंगे जी भाई हमारा बेबी जो है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, और उस बंदे ने नंबर सेव किया होता है जो बंदा लेके जाता है, ठीक हो, मतलब एक बंदा कहता है ना कि यार मैंने इससे नहीं खरीदा होगा, मैं इसे कॉल करूंगा तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, तो हमने उसका नंबर ही नहीं सेव किया होगा, तो हम भी उसको इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उतनी नहीं प्रोवाइड करते, सिंपल सी बात है, जहां से जिस बंदे ने, अगर एक बंदा बाहर से खरीद के आया है तो वो बाहर से इन्फॉर्मेशन लेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, हमसे खरीदा तो हमसे इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है, तो यानी कि हमसे परचेज करता है हम उसी को गाइड करते हैं, ठीक है,
यानी कि नबील भाई का कहना यह है कि यार जो कस्टमर हमारे से बाय करेगा हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे। भाई जान आज वो लेके गया, दो दिन बाद मैसेज कर रहा है, चार दिन बाद मैसेज कर रहा है, महीने बाद मैसेज कर रहा है, छह महीने बाद मैसेज कर रहा है, साल बाद मैसेज कर रहा है, वो नबील भाई उनको गाइड करेंगे कि भाई जान इस तोते को आपने अगर फॉर एग्जाम्पल वो कस्टमर कहता है यार तोता जो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो नबील भाई मुकम्मल गाइड करेंगे। यार देखें इनकी इतनी अच्छी सर्विस है, आजकल अगर आप लोग बाहर दुकान से खरीदते हैं तो नबील भाई ने यही आपको बताया कि यार वो इतनी हर बार आपको गाइड नहीं करेगा। हाँ एक दफा कह देगा यार भाई इसको ऐसे खाना ले जाओ बस। तो नबील भाई की सर्विस के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, आप देखें नबील भाई का नंबर भी आपको मिल जाएगा, जो इनकी टीम है नबील भाई की उनका नंबर आपको मिलेगा, वो आपको रिप्लाई करेगा, आपका नंबर सेव कर लेगा और आपको पहले रिप्लाई करेगा, कोई अननोन नंबर होगा उसको रिप्लाई नहीं करेगा, पहले उसको रिप्लाई करेगा जिस बंदे ने इन भाई से खरीदा है। तो नबील भाई की सर्विस जो है वो बहुत अच्छी है। अब मैं यहाँ पर आपको चिक्स दिखाता हूँ जो कि अवेलेबल है लाहौर के अंदर भी, लाहौर से भाई भी। तो चलिए अगर मेरा कैमरा मैन थोड़ा सा आगे आए और एक चीज और बताता चलो, ऐसा है कि यार अब एक भाई कहते हैं ना यार ये तो मतलब गाइड, अगर आप खुदा ना खास्ता बाहर से ले आए ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना ऐसा कि यार बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है बिल्कुल, या मतलब इमरजेंसी का केस है ठीक है, तब पूछ रहे हम लोग आपको गाइड करेंगे ठीक हो गया। लेकिन वो सीन नहीं है कि यार आप कहेंगे भाई अब इसको खाना कैसे खिलाना है, खाना कैसे खिलाना है, हम लोग कहेंगे भाई जहाँ से लिया फिर उस बंदे से पूछ, सही हो गया। तो फिर उस केस में वो है या फिर हम लोग फिर आपको ऐसा कर देंगे कि आप देखें एक बंदा जो है डेडिकेटेड बैठा हुआ है ना आपके लिए, वो बंदा फिर आपको कहेगा कि भाई ठीक है अगर आप बाहर से भी लेके आए ना गाइडेंस आपको चाहिए तो ठीक है आप मेरे अकाउंट में 1000 सेंड करवाओ, मैं आपको गाइड करता हूँ सारा आगे का। तो फिर वो उसकी जो चार्जेस होंगे ना 1000 होंगे बंदे के, अगर आप बाहर से मतलब परचेज करके आए हो और आपको सिर्फ गाइडेंस ही चाहिए तो उसके अंदर फिर। लेकिन एक और चीज मैं बताता चलो, अगर आपका बच्चा जो है ना मरने के करीब है ठीक है, वो भाई आपको डायरेक्ट बताएगा कि भाई ये मरने के करीब है बच्चा, इसका सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है, ऐसा ना हो आप लोग 1000 सेंड करें बच्चा आपको मरने पे आया और आपका बच्चा भी मर जाए 1000, तो ऐसा नहीं है। गाइडेंस उस बच्चे की होगी जो बच्चा हेल्दी है ठीक हो गया, जो बच्चा वैसे बीमार है मतलब उसके लिए तो फिर हम लोग ऐसा कर देंगे ना, हम लोग कहेंगे कि चलो हम आपका कुछ फायदा कर देते हैं वैसे मतलब तजर्बे से अपनी कुछ चीजें बताने के। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला हमें अजर देगा, फिर हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा नवील भाई मुझे यहाँ पर ये बताएं, जब मैं पिछली बार आपके पास आया था, जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था यार आज से 6 महीने पहले, उस वक्त आपका एक चैनल था ट्रू इन्फो के नाम से, तो उसके ऊपर आपके मेरे हिसाब से 24,000 सब्सक्राइबर थे, ऐसे था 25,000 सब्सक्राइबर थे, तो 25,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, तो वो आपका चैनल बंद हो गया। अब उसके बाद आप मैंने आजकल देख रहा हूँ टिकटॉक पे बड़े फेमस जा रहे हैं माशाल्लाह, 3-3 लाख व्यूज आ रहे हैं यार माशाल्लाह, देख लो काफी अच्छे आपके व्यूज वहां पर आ रहे हैं। तो इनके जी टिकटॉक के ऊपर ये अकाउंट है, यूट्यूब के ऊपर इन्होंने दोबारा अपना चैनल भी बना लिया है, देखें 24,000-25,000 इनके सब्सक्राइबर थे, इन्होंने वहां से चैनल अपना इनका यूट्यूब की तरह से डिलीट कर दिया गया है, उनके कुछ इश्यू से जो कि इन्होंने उनकी रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ थे, यानी कि ऊपर भी इनका अकाउंट है, उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी जाके देख रहे हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने कंफर्मेशन कोई करनी है जाके इनके रिव्यूज देख लें, कमेंट्स देख लें, फिर आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी इन्होंने इतनी अच्छी मालूम आपको दे दी है, सारा कुछ मैंने इनसे पूछा, इन्होंने गाइड किया। तो चलिए अब मैं आपको चिक्स दिखाता हूँ, अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आगे है, नबील भाई से पूछते हैं यार ये चिक्स कितने दिन के हैं और उनकी प्राइस क्या है आपको बताते हैं। तो नबील भाई बताएं यार इसके बारे में। ये तकरीबन जो चिक्स है ना ये 20 दिन के करीब है। अच्छा। ये 20 दिन के करीब है, इनकी प्राइस जो है आप लोगों को 11,500 की एक बच्चे की जो है वो मिल जाएगी। थोड़ा सा बड़ा बच्चा अगर हम लोग देखें ना ये वाला हल्का हल्का सा, ठीक है, ये वाला बच्चा जो है तकरीबन 25 दिन का है, ये बच्चा जो है आप लोगों को 12,000 का मिल जाएगा। अच्छा। उससे बड़े बच्चे पे हैं ये देखें जी। अच्छा। ये बच्चा है आप लोगों के सामने जो है इसकी पीने शीने आ गई है 12,500 का मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग कहते हैं ना कि यार हमें तो बड़ा बच्चा चाहिए थोड़ा सा, जिसके इतने इतने बार आए हुए हो, इस तरह का थोड़ा बड़ा बच्चा चाहिए, तो फिर उस तरह का बच्चा ना ऑर्डर पे रेडी होता है। ऑर्डर पे रेडी का क्या मतलब है, आप लोग हमें थोड़ा सा एडवांस करते हैं, आप कहते हैं हमें उस साइज का बेबी आपको देना है और उसकी प्राइस भी ज्यादा से बात ज्यादा होती है, हम लोग इनको जो है एक्सपेंसिव फीड डालते होते हैं, केटी की फीड जो है तकरीबन 200 रुपए पाओ आ रही है, बिल्कुल ऐसी है, एक्सपेंसिव फीड भी डालते होते हैं, फिर जब ये बड़ा होता है मतलब जो आप लोग साइज डिमांड करते हैं उस साइज का बच्चा जो है हम लोग आपको फिर प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो ऑर्डर पे रेडी होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा नबील भाई अब हमें ये बताएं कि अगर कोई कस्टमर लेना चाहता है हमारे चैनल की तरफ से आए तो उसको आप कोई डिस्काउंट वगैरह देंगे कि नहीं देंगे? 500 रुपया जो है आपके चैनल सही होगा। लो जी नबील भाई ने ऑफर दे दिया, 500 रुपया वो लेस कर देंगे आपको, चाहे आप ये साइज ले लें, चाहे आप ये साइज ले लें, चाहे ये साइज ले लें, चाहे ये साइज ले लें। अच्छा नबील भाई एक इम्पोर्टेंट बात है, इनकी ये तो बताएं ये क्या चक्कर है, ये आपने माशाल्लाह इसको इस तरह तैयार किया हो जैसे आप इनकी वो शादी के वक्त वो लेके नहीं जाते चूड़ियां वगैरह लड़की के लिए, तो ये आपने कहा कि सिस्टम बनाया, ये क्या चक्कर है इनका, ये आपने इसमें क्यों रखे हुए? कई भाई होते हैं मतलब उन्होंने ना अपनी वाइफ को गिफ्ट करना होता है। अच्छा अच्छा क्या बात है जी, क्या बात है।
कमाल है। अब आउट ऑफ कंट्री में कई भाई बैठे होते हैं। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं कि यार वाइफ को हमने ना पैरेट बेबी जो है ना वो डिलीवर करवा दिया, वो कहते हैं यार थोड़ी खूबसूरत पैकिंग कर देना, अच्छा। हम आपको ना टोकरी के पैसे भी दे देंगे, हम आपको ये जाली शाली के मतलब जो डेकोरेशन के सिस्टम है वो हम आपको दे देंगे। ठीक हो गया। कई भाइयों की वाइफ का बर्थडे होता है, कईयों की एनिवर्सरी होती है, कई पैसे की गिफ्ट, फिर उन कस्टमर्स के लिए मैं प्यारा सा जो है वो बना के उनके घर जो है डिलीवर करवाना। क्या बात है। लो जी, ये हमारे साथ नवीद भाई मौजूद थे माशाल्लाह, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इन्होंने आपको इतना अच्छा गाइड किया, मुकम्मल इनकी सर्विस के बारे में बता दिया। तो अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है लेना चाहता है तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, तो आप लोग नंबर के ऊपर रब्ता करके इनकी सर्विस जो है हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।